जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं काली खांसी या कुकुर खांसी के विषय में। अब कुकर मत समझिएगा कि जिसमें दाल बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ गानों चला है कि मारत सीटी लहंगा में कुकर, तू वाला कुकर मत समझिएगा। इस तरह देखिए जो गायक सब होता है ना, जौन आता है अवाट अवाट तो गा देता है, पता नहीं कहाँ कहाँ सब सोचता है और जौन गाना आता है मुँह से गा देता है। तू गाना मत समझिएगा, ये एक रोग होता है, एक बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है? तो काली खांसी या कुकुर खांसी। कुकुर का मतलब ही मत समझेगा, जो पिल्ला सब घूमता है उसे भी कुकुर बोला जाता है। तो खांसी नहीं होता, ये खांसी किस में होता है? तो आदमी में होता है। चलिए उसके विषय में समझते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, तो काली खांसी या कुकुर खांसी होता ना एक वायरस के माध्यम से होता है। उस वायरस का नाम क्या होता है? देखिए बोर्डेटेला पर्टोसिस नाम का क्या होता है, ये जीवाणु होता है। और इसी जीवाणु के माध्यम से क्या होता है, काली खांसी या कुकुर खांसी में हो जाता है। लेकिन ये बीमारी ना खूब जवान में और बूढ़ा आदमी में नहीं होता है। ये होता किस में? देखिए ये केवल कम आयु के बच्चों में होता है, यानी जितने कम उम्र के बच्चे होते हैं ना सबसे ज़्यादा ये बीमारी उसी में पाया जाता है। कौन होता है? तो काली खांसी या कुकर खांसी। लेकिन देखिए इसका एक टीका भी लगाया जाता है। देखिए हर बीमारी का कोनो ना कोनो दवाई बनाया जाता है। जैसे देखिए इस समय क्या आया था, तो कोरोना महामारी आया था, तो उसके लिए वैक्सीन को बना दिया गया। तो उसी तरह से कोनो भी बीमारी होता है तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके क्या किया जाता है, उसका दवा बना दिया जाता है। उसी तरह से जो काली खांसी या कुकर खांसी होता है उसका बचाव करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए DPT का क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए डिप्थीरिया पोलियोमाइलाइटिस और टीटनस। क्या होता है? डिप्थीरिया पोलियोमाइलाइटिस और टीटनस का क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। जैसे टीका लगेगा ना तो बच्चा में इस सब बीमारी नहीं होता है। अब देखिएगा जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो कई प्रकार का टीका लगाया जाता है। कौनों कहता है कि हो सकता है कि बच्चा बड़ा होगा तो दिल में छेद हो जाएगा, हाथ गोड़ा लंबा होने लगा, तो हर तरह का क्या होता है, टीका लगाया जाता है। उसी तरह से बच्चों में क्या होता है, तो इस बीमारी से बचाने के लिए डिप्थीरिया पोलियोमाइलाइटिस और टीटनस क्या लगाया जाता है, टीका लगाता है। समझा गया? अब देखिए इस रोग में होता क्या है, देखिए श्लेष्मा का गति रुकने लगता है, यानी हमारे अंदर क्या होता है, श्लेष्मा होता है और उसका गति रुकने लगता है। एक बात बताइए, हम सांस ले रहे हैं, गति रुकने लगा, आदमी क्या होगा, अपनाने लगा, धीरे धीरे करके मर जाएगा। इसमें भी उसी तरह से होता है। देखिए इस रोग में क्या होता है, तो श्लेष्मा का गति रुकने लगता है। अब थोड़ा हम श्लेष्मा के विषय में समझते हैं, इस श्लेष्मा का गति क्या होता है और रुकने से बच्चा मर कैसे जाता है, तो ध्यान समझिए। देखिए जो श्लेष्मा होता है तीन प्रकार का होता है। पहला होता है लाइनिंग श्लेष्मा, दूसरा होता है मास्टिकेटरी श्लेष्मा, तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड। यानी श्लेष्मा कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तीन प्रकार के हैं, लाइनिंग, मास्टिकेटरी और स्पेस लाइट, यानी तीन तरह के क्या होते हैं, तो श्लेष्मा होते हैं। अब थोड़ा श्लेष्मा के विषय में हम समझ लेते हैं। देखिए श्लेष्मा का कार्य क्या होता है, देखिए ये एंटीबॉडी बैक्टीरिया एंजाइम होते हैं और ये हमारे शरीर का रक्षा करते हैं। ये समझिए रक्षा कैसे करता है, मान लीजिए हम रास्ते से जाते हैं तो बड़ी धूल माटी उड़ता है, गर्दा उड़ता है, तो हम क्या करते हैं, सांस ले लेते हैं। कितना लोग तो धुआं सूंघने में बड़ा मजा आता है, तो जब हम रास्ते से जाते हैं तो धूल गर्दा उड़ता है, तो धूल गर्दा जैसे उड़ता है हम नाक के माध्यम से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो जैसे हम सांस लेते हैं ना तो जो इसमें का धूल कण होता है कौन रोकता है, तो ये श्लेष्मा रोक देता है। जितने भी धूल कण जाते हैं तो श्लेष्मा क्या करता है, रोक देता है और शुद्ध हवा को हमारे फेफड़े में भेज देता है। अगर एक बात बताइए, हम रास्ते से जाते हैं भैया, इतना ज़्यादा धूल गर्दा उड़ता है, अगर हमारे अंदर सब चला गया तो आदमी ज़्यादा दिन जीवन नहीं करेगा, बेचारा मर जाएगा। तो कौन रोकता है, तो श्लेष्मा होता है। ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी बैक्टीरियाओं को एंजाइम से मिलके ये हमारे शरीर का रक्षा करता है और जितने भी धूल कण होते हैं रोक देता है और शुद्ध हवा को हमारे फेफड़े में भेज देता है। समझ में आ गया? तो ये किसका काम होता है, तो श्लेष्मा का कार्य होता है। समझ में आ गया? अब हम समझते हैं कि श्लेष्मा किस किस चीज़ से मिलके बनता है। देखिए हमारे श्लेष्मा में 95% क्या होता है, पानी होता है, और उसी में ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और उसी में प्रोटियोग्लाइकेंस होता है, और लिपिड होता है, और DNA का क्या होता है, मिश्रण होता है। यानी हर जो हमारा श्लेष्मा होता है इसमें 95% पानी होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और प्रोटियोग्लाइकेंस होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, और DNA का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये सबसे क्या होता है, तो मिलकर हमारे श्लेष्मा का निर्माण होता है। समझ में गया? अब देखिए
श्लेष्मा को हम क्या बोलते हैं, तो म्यूकस भी बोलते हैं। और यही म्यूकस कहाँ होता है, तो नाक में हाथ डालिएगा ना तो चिपचिपा क्या होता है, पदार्थ होता है। और वही पदार्थ क्या होता है, तो धूल मिट्टी को रोकता है और शुद्ध हवा को हमारे अंदर भेज देता है और हवा को ठंडा और नॉर्मल करके भेजता है। अगर इतना गर्मी में उतना अगर गर्म हवा जाएगा तो हमारे फेफड़ों झुलस जाएगा, तो इसलिए जो म्यूकस होता है उसको नम करता है और मनुष्य हमारे फेफड़े में भेज देता है। और सबसे मुख्य काम किसका होता है, तो श्लेष्मा का काम होता है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काली खांसी या कुकर खांसी किसे होता है, तो कम आयु के बच्चों में होता है। और इसका टीका भी लगाया जाता है और ये क्या करता है, तो हमारे सांस को बने से हमारे अंदर भेजता है और उसमें ये सब क्या होते हैं मिलके तो हमारे श्लेष्मा का निर्माण होता है और उसी श्लेष्मा को हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।